लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आईपीएल के सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पिछले दो मैचों में टीम को हार का सामना जरूर करना पड़ा है। इस सीजन के शुरुआत से ही टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि टीम के बल्लेबाज गेल राहुल और क्रिकस गेल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार टीम जिस तरह प्रदर्शन कर रही है उससे टीम की मालिकन और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा काफी ज्यादा खुश होंगी, लेकिन पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ मिली हार के बाद उन्हें थोड़ा निराश जरूर देखा गया। दरअसल प्रीति जिंटा एक खास खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी। जिस खिलाड़ी को खरीदने को लेकर अपनी दिल की बात बोली है वो एक महान कप्तान के साथ एक विकेटकीपर हैं और साथ ही विश्व के सबसे बेहतरीन फिनिशर भी हैं। अभी तक तो अंदाजा हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। एक इंटरव्यू को दौरान प्रीति ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि काश एमएस धोनी मेरी टीम में होते, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो मैं धोनी की फैन नहीं थी, लेकिन आज मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मैच के दौरान हमेशा शांत और कूल रहते हैं और जब को जरूरत पड़ती है तो वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं।